नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं और हिंदी में कौन कौन से विराम चिन्हों को प्रयोग में लाया जाता है। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको विराम चिन्हों की जानकारी हो सके, जो हर परीक्षा में उपयोगी हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विराम चिन्ह के अर्थ को जानेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना आदि। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, तब हम थोड़ा रुक जाते हैं या विश्राम कर लेते हैं। इस विश्राम को ही विराम कहा जाता है। पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम हिंदी में प्रयोग होने वाले विराम चिन्हों को जानेंगे। पहला है अल्प विराम कोमा, दूसरा है पूर्ण विराम फुल स्टॉप, तीसरा है अर्ध विराम सेमी कोलन, चौथा है उप विराम कोलन, पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह इंटेरोगेशन, छठा है योजक चिन्ह हाइपन, सातवां है विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग, आठवां है विस्मयादि बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन, नौवां है कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट, दसवां है लाघव चिन्ह एब्रीविएशन। अब हम इन विराम चिन्हों को विस्तार से जानेंगे। पहला है अल्प विराम। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। वाक्य लिखते समय जिस स्थान पर बहुत ही कम रुकना या ठहरना हो, वहां अल्प विराम लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, जहां एक तरह के कई शब्द या वाक्य एक साथ आते हैं, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने बच्चों के लिए सेब अल्प विराम, केले अल्प विराम, आम अल्प विराम, अमरूद आदि खरीदे। यहां कई शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है, इसीलिए अल्प विराम चिन्ह को लगाया गया है। दूसरा देखिए, मैं आया अल्प विराम, खाना खाया अल्प विराम और वापिस चला गया। यहाँ तीन वाक्यों का एक साथ प्रयोग हुआ है, इसीलिए अल्प विराम चिन्ह लगाया गया है। तीसरा देखिए, मुझे बाजार से किताबें अल्प विराम, पेंसिल अल्प विराम, रबड़ अल्प विराम, कॉपी आदि खरीदनी है। यहाँ कई शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है, इसीलिए अल्प विराम चिन्ह लगाया गया है। दूसरा देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहन अल्प विराम, अब तुम घर जा सकते हो। प्रिय महाशय अल्प विराम, मैं आपका आभारी हूँ। तीसरा देखिए, किसी व्यक्ति की उक्ति से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे विनय ने कहा अल्प विराम, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। चौथा देखिए, हाँ नहीं सचमुच किंतु और अच्छा अतः वस्तुतः जैसे शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम लगता है। जैसे हाँ अल्प विराम तुम ऐसा कह सकते हो, किंतु अल्प विराम मैं ऐसा नहीं मानता। पांचवा देखिए, अंकों को लिखते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक अल्प विराम, दो अल्प विराम, तीन अल्प विराम, चार अल्प विराम, पांच छह सात आठ नौ आदि। दूसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। जहां वाक्य की गति
अंतिम रूप ले ले या वाक्य खत्म हो जाए, वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, राम खाना खाता है, पूर्ण विराम। वह लड़का है, पूर्ण विराम। मैं एक अध्यापक हूं, पूर्ण विराम। तीसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम को आधा विराम भी कहा जाता है, जहां वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर के लिए रुकना पड़े, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, अर्ध विराम, वही आस्तीन का सांप निकला। दूसरा देखिए, सूर्योदय हो गया है, अर्ध विराम, चिड़िया चहकने लगी और फूल खिल गए। चौथा है उपविराम। जब किसी वाक्य को अलग दिखाना हो तो वहां उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, मेरा देश, उपविराम, भारत। दूसरा देखिए, विज्ञान, उपविराम, वरदान या अभिशाप। तीसरा देखिए, विशेषतः, सामान्यतः, साधारणतः, मूलतः आदि शब्दों के साथ उपविराम चिन्ह प्रयोग होता है। पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में क्या, कहां, कब, कैसे, क्यों शब्द आए तो वहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप कोलकाता से आ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। छठा है योजक चिन्ह। हिंदी में योजक चिन्ह का भी अत्यधिक प्रयोग होता है। योजक चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। जैसे माता पिता, लड़का लड़की, पाप पुण्य, सीता राम। उदाहरण देखिए, समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर घर, रात रात, राम राम, कण कण, गांव गांव। दूसरा देखिए, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाई बहन, ऊपर नीचे, रात दिन, गरीब अमीर, बेटा बेटी आदि। तीसरा देखिए, जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ना लिखना, उठना बैठना, मिलना जुलना, खाना पीना, सोना जागना आदि। चौथा देखिए, जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द हो तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी वोटी, उल्टा पुल्टा, पानी वानी, झूठ मूठ आदि। सातवां है विस्मयादिबोधक चिन्ह। आश्चर्य, करुणा, हर्ष, घृणा, भय, शोक, विस्मय, विवाद आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ओह, अरे, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, काश, छी आदि शब्दों के साथ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, भगवान तुम्हारा भला करे, विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूसरा है वाह, वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, कितना अच्छा गीत गाया तुमने। तीसरा है हे ईश्वर, विस्मयादिबोधक चिन्ह, सबका कल्याण हो। आठवां है विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के विषय में निर्देश देने के लिए या किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व किया जाता है। जैसे
उदाहरण देखिए, संधि के तीन मुख्य भेद होते हैं। विवरण चिन्ह। अलंकार के दो भेद होते हैं, विवरण चिन्ह। नंबर एक शब्दालंकार, नंबर दो अर्थालंकार। नौवां है कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट। हिंदी साहित्य में लघु कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः वाक्यों के मध्य में किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग हमेशा जोड़ी में होता है। उदाहरण देखिए, राजेंद्र प्रसाद, कोष्टक चिन्ह, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। कोष्टक चिन्ह का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ। दसवां है लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। उदाहरण देखिए, डॉक्टर के लिए डो, आगे शून्य लगा दिया है। पंडित के लिए प, शून्य लगा दिया गया है। इंजीनियर के लिए इंजी, शून्य लगा दिया गया है। ये विराम चिन्ह हैं जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।